हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। दिल्ली पब्लिक स्कूल जामनगर से वैकेंसी आई है टीचर्स के लिए। फ्रेशर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। सभी पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई है। पिछला वीडियो आप देखिएगा जहां पर दिल्ली पब्लिक स्कूल शहीद पद से वैकेंसी आई है, जहाँ पर एक्सपीरियंस जो कैंडिडेट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं और फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो है वो फ्रेशर हर पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो ये देखिए, ये पूरा जो है विज्ञापन है, छोटा ही है, बट सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ध्यान से देखिए, दिल्ली पब्लिक स्कूल जामनगर से वैकेंसी आई है और यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। तो पिछला वीडियो आप देखिएगा जहाँ फ्रेशर और एक्सपीरियंस कैंडिडेट दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, अलग अलग पोस्ट के लिए कहा गया है। बट यहाँ पर जो है वो बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है और बहुत कम DPS से ऐसी वैकेंसी आती है जहाँ पर अनुभव नहीं मांगा जाता है। तो जिन्होंने कहीं पर भी आज तक नहीं पढ़ाया है और दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल जा सकते हैं। पोस्ट अगर हम देखें तो प्री प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसी है, ट्रेंड ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की है, और इसके अलावा अगर टीचर्स की बात करें तो एक्टिविटी टीचर्स एंड लाइब्रेरियन की वैकेंसी है। अदर जो पोस्ट की वैकेंसी है, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर की, HR प्रोफेशनल्स की, साइकोलॉजिस्ट की वैकेंसी है। तो यहाँ पर जो है आप लोगों के पास जो क्वालिफिकेशन है, जैसे प्री प्राइमरी टीचर्स के लिए यहाँ पर NTT है आपके पास, ठीक है। प्री प्राइमरी के लिए जो आपके पास डिग्री डिप्लोमा है तो बिल्कुल आप लोग चले जाएं। ट्रेंड ग्रेजुएट के लिए यहाँ पर BEd वाले, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए मास्टर डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो सभी सब्जेक्ट की वैकेंसी है, इसीलिए कोई भी मेंशन यहाँ पर नहीं किया गया है अलग से कोई सब्जेक्ट। एक्टिविटी टीचर्स की वैकेंसी है, लाइब्रेरियन के लिए आप जा सकते हैं अगर आप इच्छुक हैं, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी जो है अनुभव नहीं मांगा गया है। किसी भी प्रकार का STAT CTAT बिल्कुल नहीं मांगा गया है। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो ये कहते हैं कि दिल्ली पब्लिक स्कूल में अगर वैकेंसी निकलती है तो वहाँ पर केवल एक्सपीरियंस कैंडिडेट को ही लिया जाता है, ऐसा नहीं है। अब ये जो वैकेंसी निकाली गई है दिल्ली पब्लिक स्कूल जामनगर, ये गुजरात में है ये DPS। अगर आप यहाँ पर जाते हैं तो आपको यहाँ अनुभव होता है, ठीक है। 1 साल का भी जो है अगर आपको अनुभव होता है या 2 साल का आपको अनुभव होता है तो ऐसे DPS जो कि आपके नज़दीक हैं बिल्कुल आप अप्लाई कर पाएंगे। वहाँ पर बहुत अच्छी सैलरी के साथ जो है DPS में टीचर्स की वैकेंसी निकाली जाती है। तो यहाँ पर आप लोगों को अप्लाई करने के लिए क्या करना है, तो ये जो है ईमेल एड्रेस दिया हुआ है hr@dpsjamnagar.edu.in। तो जो भी आपके पास अपडेटेड रिज्यूम है, आपकी लेटेस्ट फोटो है, आप लोगों को इस पर ईमेल कर देनी है, ठीक है। और ये कहाँ है, स्कूल जामनगर, रिलायंस हाईवे, गुजरात। ये स्कूल जो है वो गुजरात में है। तो ऐसी दिल्ली पब्लिक स्कूल में जो भी कैंडिडेट पहली बार जो है वो पढ़ाना चाहते हैं तो बिल्कुल पढ़ा सकते हैं, या कोई भी अनुभव नहीं मांगा गया है। तो ये जो है मेन वेबसाइट है स्कूल की, दिल्ली पब्लिक स्कूल जामनगर की, और आपको यहाँ पर काफ़ी टीचर्स जो हैं वो दिखाई दे रहे होंगे। यदि आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं, सबसे पहले स्कूल के बारे में जो है वो कुछ जानकारी आप यहाँ ले सकते हैं, ठीक है। तो स्कूल के मेन वेबसाइट में आप लोगों को इसीलिए दिखाती हूँ ताकि कोई भी अगर आप अप्लाई करते हैं तो कोई भी मन में जो है डाउट ना रहे। कोई भी जो स्टूडेंट अगर ऐसा सोचता है कि हम हिंदी माध्यम से पढ़े हैं, हिंदी मीडियम से पढ़े हैं तो हम यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के भी टीचर्स हैं और हिंदी मीडियम के भी टीचर्स हैं। यहाँ पर आप लोगों को कम्युनिकेशन स्किल, यानी आपका जो पढ़ाने का तरीका है, आपकी जो कनेक्टिविटी है स्टूडेंट्स के साथ वो अच्छी हो, साथ में जो है आप कुछ वर्ड जो है वो इंग्लिश के बोल सकें, ठीक है, तो आप यहाँ पर पढ़ा सकते हैं। इंग्लिश में ही जो है आप लोग बुक्स तो सभी इंग्लिश में ही रहती हैं और CBSE स्कूल है ये, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं या हिंदी मीडियम में पढ़े हैं ये कोई मैटर नहीं करता है, आप लोग बिल्कुल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।